नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बहनों की डिमांड थी कि हमें तिरछे कट वाली ब्रा की कटिंग और सिलाई बताइए, तो आज मैं आपको ये तिरछे कट वाली रेडीमेड जैसी ब्रा की कटिंग और सिलाई बता रही हूँ। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ब्रा का पैटर्न कटिंग करने के लिए मैंने दो पार्ट्स लिए हैं। एक की मैं इस पे मैं ऊपर का पार्ट्स कटिंग करूंगी और इस पे नीचे का पार्ट्स। ऊपर वाले के लिए मैंने लिया, देखिए यहाँ पे 5 इंच और ये इस तरफ से है 8 इंच। नीचे वाले के लिए है यहाँ पे 4.5 इंच और ये है 8 इंच। तो ये 8 स्क्वायर 4.5 का और ये 8 स्क्वायर 5 का। सबसे पहले हम इस पे कटिंग करेंगे ऊपर वाले पार्ट्स की। तो इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। ब्रा का पैटर्न करने के लिए आपको इस तरह से इसको डबल करना है। ये हो गई इसकी सेंटर लाइन, ठीक है। अब हम इस तरफ से और इस तरफ से इसका मेजरमेंट करेंगे। यहां से मैं ले रही हूं, देखिए 2.5 इंच पिक पॉइंट, ये हो गया 2.5 का, और इस तरफ भी मैं लूंगी 2.5 इंच का, ये हो गया 2.5 इंच का, ठीक है। अब ये सेंटर है और इस तरफ हम नेक की कटिंग करेंगे, इस तरफ हम आर्मोल की। तो ये ले लिया मैंने 1/2 इंच इस तरफ में। अब इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट में ऐसे मिलाना है, ये मैंने ऐसे मिला दिया। अब इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट को आर्मोल की साइड में लेना है 1/2 इंच इस तरफ। इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट में मिलाना है, तो इसको देखिए इस तरह से हम मिला देंगे। आपको इसको इस तरह से मिलाना है, ये हो गई हमारी नेक लाइन, ठीक है। अब इसके नीचे पूरा 1.5 लिया है, 1 इंच नीचे एक पॉइंट लगाएंगे और इस तरफ भी 1 इंच नीचे एक पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट को हमें सेंटर में मिलाना है, ये इस तरह से ये लीजिए, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। अब हमें इसको पूरे को, जैसे 32 इंच बेल्ट है या फिर 34 इंच बेल्ट है, तो उस हिसाब से लेना है। मेरे 32 के हिसाब से मैंने पैटर्न लिया है। तो यहां पे देखिए मैं 4 इंच पे एक पॉइंट लगा देती हूं, ये हो गया 4 इंच पे, और इसको यहां से जितना है उससे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर से इसको ऐसे सीधा कर देना है इस तरह से। इसी तरफ से इस तरफ से यहां से नापेंगे हम, 4 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया 4 इंच पे, और ऊपर से इस तरह से लेते हुए इस तरह से हम इसको ले लेंगे। ऊपर से थोड़ा ज्यादा, नीचे से बस वो पॉइंट जितना अपना, ये 4 इंच का है, ये 4 इंच का है। ये हो गया हमारा ऊपर का पैटर्न। इसको मैं कटिंग कर लेती हूं। तो देखिए इसको हमें ऐसे कट करना है। अब इसके बाद मैं आपको नीचे का पैटर्न भी बता दूंगी, और बहुत इजी है, एकदम सिंपल। और ये हो गया आपका आर्मोल साइड। ये सारी हमारी कट हो गई, ब्रा का ऊपर का पैटर्न तैयार है। अब हम इस पे कटिंग करेंगे नीचे का। इसको हम इस तरह से डबल कर लेते हैं और ये वाली हम सेंटर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब इस तरफ से हम लेंगे इसमें 2.25 इंच नीचे एक डार्क पॉइंट कर देंगे, और इस तरफ से हम लेंगे इसमें 2.75 इंच नीचे, इस तरफ 2.25, ये होगा 2.25 और इस तरफ होगा 3.25, ठीक है। अब ये जो सेंटर पॉइंट है इसमें आपको इसको ऐसे मिलाना है, मिला दिया। अब इस पॉइंट को भी आपको ऐसे ही मिलाना है, ये हो गया, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से
हो गया है ये पॉइंट। अब आपको इस पॉइंट को यहां से नीचे से हमें सीधा ही रखना है इसको, ठीक है। अब नीचे से हमें रखना कितना है इसको, तो यहां से हम नीचे से इसको रख रहे हैं 4.5 इंच, ये हो गया देखिए 2.25। और इस तरफ से हम रख लेंगे, सॉरी 4.5 तो कम हो जाता है, इसमें 5 इंच रख लेते हैं, ठीक है, हो गया 2.25 और ये हो गया 2.5 इंच, टोटल हो गया 5 इंच का ये नीचे का से। अब आपको ये वाली गोलाई नापनी है 8 इंच की, ये 4 इंच यहां पे आता है और इसका ये 4 इंच यहां पे आता है, तो इसको तो आपको इस तरह से सीधा कर देना है, ठीक है। अब इसमें आपको 2 पॉइंट लेने हैं, तो इसमें हम इस तरह से 1.5 इंच पहले सीधा लेंगे, तो ये मैंने इसको 1.5 इंच पहले सीधा ले लिया है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे हमने 2.25 लिया था, इसको इस तरह से आपको ऐसे तिरछा मिलाना है, इसे आपका जो कट वाला डिजाइन है ना, वो ब्राक के बीच में जो कट का डिजाइन आता है इस तरह से, वो वाला ये डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस पार्ट्स को भी हम कट कर लेते हैं, ये हमारे हो गया पैटर्न कटिंग, ये है नेकलाइन साइड और ये है आर्मोल साइड। इस तरह से आप अपना पैटर्न कटिंग करके रख लें, फिर आप अपनी ब्रा बनाए, एकदम आसान हो जाएगी आपके लिए ब्रा का बनाने का तरीका भी। ये लीजिए, ये हमारे दोनों पैटर्न जो है यहाँ पे कटिंग हो गई हैं। अब हम सेम इन्हीं पैटर्न को कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को हम इस तरह से डबल करेंगे और डबल पे हम एक ये वाला पैटर्न ऐसे रखेंगे और ये वाला पैटर्न ऐसे रखेंगे। अब मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगी, इसके बिल्कुल बराबर में इसको कट कर लेती हूं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 2-2 पैटर्न कटिंग कर लिए हैं, इसकी भी 2 है और इसके भी 2 है, ये भी 2 पार्ट्स हैं, ये देख सकते हैं, और ये भी 2 पार्ट्स हैं, ये है नेकलाइन साइड और ये है आर्मोल साइड, ठीक है। अब आपको ऐसे करना है, एक पार्ट्स को यहां पे रखना है, दूसरे को इस तरह सामने रखना है, ये इस तरह से हो गई नेकलाइन की साइड में नेकलाइन, ठीक इसी तरह से इस पार्ट्स को यहीं पे रखना है और नीचे वाले पार्ट्स को इस तरफ रखना है। ये देखिए, ये जो कट है, ये जो कट है आप देख रहे हैं, ये हमारी नेकलाइन के साइड में होगा, यानी आगे की साइड में इस तरह से इसको ज्वाइंट करने के बाद में ये इस तरह से बीच का कट रहेगा ब्रा के अंदर। तो चलिए ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे में अटैच कर देते हैं, ये इसके अंदर सील देते हैं और ये इसके अंदर सील देते हैं, ये एक सिलाई कर देते हैं दोनों की। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पार्ट सिलाई कर लिया है और इसी तरह से दूसरे पार्ट्स को भी स्टिच कर लेते हैं। तो ये दूसरा पार्ट्स भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसके दोनों को अटैच करने के लिए बीच वाली सिलाई लगाएंगे, तो एक पार्ट्स को एक पार्ट्स के ऊपर रखेंगे और ये सिलाई निकाल देंगे। तो ये देखिए, जैसे मैंने मार्क किया है वैसे मैं इसके एक सिलाई लगा देती हूँ।